हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत केसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एबीएस टेक अनंत केसवानी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए यहाँ पे मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट और ट्रस्टेड रिसोर्सेज आपके लिए लेके आऊँ। आज भी मैं आपके लिए ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पे सिंपल सा आपको कुछ सर्वेस फिल करना है, कुछ और एक्टिविटीज आपके लिए करना है और उसका आपको एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है। और साथ ही साथ इस वेबसाइट में एक खास बात है कि आप यहाँ पे किसी भी कंट्री से कर सकते हैं। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, यहाँ पे पेपाल पेटीएम वगैरह ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ऑब्वियसली बात है, आप पेपाल पेटीएम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का भी एक ऑप्शन है कि सिंपल सा आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है और पैसे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज का इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये इशू रहा करता था कि आप पेपाल या पेटीएम टाइप की साइट बताते हैं जिसमें कभी कभी पाकिस्तान वाले नहीं कर पाते हैं, किसी में इंडिया वाले या किसी में नेपाल वाले। तो यहाँ पे इन सभी चीजों का कोई भी इशू नहीं होगा और साइट बहुत ही ट्रस्टेड है, पेमेंट जरूर आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम वेबसाइट पे, वहां पे सारी चीजें देखते हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अर्निंग करना है, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं वेबसाइट पे और वेबसाइट का नाम है dollarhug.com। ये जो वेबसाइट है ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे अर्निंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सिंपल सा आपको इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको सिंपल सा वहां पे क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि यहाँ पे आपके पास पेपाल भी रहेगा, स्क्रिल भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी है, साथ में यहाँ पेपाल भी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसी टाइप के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपके पास पेपाल या पेटीएम नहीं है तो आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा आपको अपना ओपिनियन देना है। ओपिनियन आपको पता ही होगा कि ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन मतलब होता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐप के बारे में पूछा गया है, उस ऐप के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। आप सिंपल से एड्स देख सकते हैं, आप कुछ और छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, आप सर्विस कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पूल्स है, ऑनलाइन सर्वे है, इंस्टॉल ऐप, कंप्लीट टास्क, वॉच एड्स, वॉच वीडियोस, इसी टाइप के यहाँ पे छोटे छोटे टास्क हैं, उनको आप कंप्लीट करके रिवॉर्ड्स लेंगे और आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में कंपनी वगैरह के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, साथ में यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, पहला ऑप्शन है आपको रजिस्टर करना है, और सेकेंड ऑप्शन है कि आपको सिंपल से टास्क कंप्लीट करना है, और थर्ड है कि आपको यहाँ पे विड्रॉल निकालना है। साथ में आप इनके पार्टनर्स देख सकते हैं, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, आज की डेट में यहाँ पे कितने यूजर्स हैं, कितने हिट्स हो रहे हैं, कितने ऑफर बॉल हैं, यहाँ पे कितना ये अभी तक पिक कर चुके हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे इस साइट पे ट्रस्ट इतना क्यों है। ऑब्वियसली बात है, इस साइट ट्रस्टेड है, लेकिन इसके साथ ही जब हम यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे इसके रिव्यूज चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए सभी रिव्यूज यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ तक कि किसी ने अगर 3 स्टार भी दिए हैं तो भी उन लोगों ने उसके बारे में अच्छा ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 3 स्टार जरूर दिए हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने लिखा है नाइस गुड मनी अर्निंग ऐप। ये जो भी यहाँ पे रिव्यूज दिए गए हैं ये रियल यूजर्स के थ्रू रिव्यू दिए गए हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि ये जो साइट है ये ट्रस्टेड है और आप भी इस पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आप ऑब्वियसली बात है आप अर्निंग जरूर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको इस पे ट्रस्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो जो आपको यहाँ पे साइन अप नाउ का बटन दिखाई दे रहा है आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ऊपर रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इनकी कुछ ऐसी कंडीशंस है जो आपके लिए हमेशा ध्यान रखना है। वो कंडीशन आप यहाँ पे जरूर देख लीजिए कि आपको कभी भी यहाँ पे वीपीएन या प्रॉक्सी वगैरह का यूज नहीं करना है। ऑब्वियसली बात है अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है तो वो इन सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है वीपीएन आपके लिए पता होगा कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब आप अपनी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको लोकेशन वगैरह चेंज नहीं करना है क्योंकि ये चीज इंडिया से भी वर्क करती है। तो आपको वीपीएन वगैरह का कभी भी यूज नहीं करना है वरना आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैंड हो सकता है। इसके बाद ये आपको फेक इंफॉर्मेशन नहीं भरना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी टाइप की फेक इंफॉर्मेशन नहीं भरना है। साथ में आपको मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाना है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि
पैसा आप ही खुद ही अकाउंट बनाए पड़े हैं, रेफर किए पड़े हैं, उसका आपको कुछ खास ऐसा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो आपका अकाउंट जो है, जो भी आपने मल्टीपल अकाउंट बनाए होंगे, वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। और इसके साथ ही इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बताई हुई है, डू नॉट यूज नंबर्स व्हाइल क्रिएटिंग यूजर नेम। मतलब आप जब भी यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट करें तो आपको नंबर नहीं डालना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अनंत विजय सोनी क्रिएट करता हूँ तो मैं अनंत विजय सोनी 1 नहीं करना है आपको, या अनंत विजय सोनी 2 नहीं करना है। उससे ऐसा हो सकता है, उनको लग सकता है कि आपने यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किए होंगे, आप उनको याद रखने के लिए इस टाइप से कर रहे हैं, तो ये शायद इनका ऐसा लॉजिक हो सकता है। तो इसी टाइप से आपको ये सारी चीजें इनकी पढ़ लेना है, क्या क्या इनके रूल्स रेगुलेशन है, ये चीजें अगर आप करोगे तो आपको जो अर्निंग होगी वो आप निकाल भी सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप इनमें से कोई भी एक रूल अगर आप तोड़ दिया करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपने $5 या $10 यहां से अर्निंग की और आपका अकाउंट बैन हो जाए। तो आपको ऑलवेज कंडीशन पहले ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट ऑब्वियसली बात है ब्लॉक हो जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे राइट साइड में एक चैट बॉक्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉलर हक चैट बॉक्स। ये जो है ये चैट बॉक्स टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया से भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग इंडिया से हैं। इसके अलावा और भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से भी हैं, कि जिन जिन लोगों ने जो जो भी यहाँ पे कंप्लीट किया है उसमें जितने पॉइंट्स मिले हैं वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे चीज आती है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑब्वियसली बात है, जैसा कि इन्होंने सेकंड स्टेप बताया है कि आपको फेक इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है, तो जो भी आपकी रियल इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, साथ में यूजर नेम लिखा, 2 बार आपको सेम पासवर्ड डालना है, 2 बार आपको सेम ईमेल डालना है, साथ में जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है, सिटी कंट्री और जो भी आपका जिप कोड है वो आपको डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और साथ में आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल सकते हैं, और लास्ट में जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यही चीज सेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप इनके न्यूज़लेटर वगैरह चाहते हैं या इनके मेल वगैरह चाहते हैं तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेल वगैरह की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके और सिंपल सा रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, और रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड आएगा, आपके इस पे कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपको सिंपल सा जाना है ईमेल पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आप या तो इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर जो आपको एक कंफर्मेशन कोड मिला हुआ है आप सिंपल सा इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे रेडी हो गया है और आपकी जो भी अर्निंग्स वगैरह रहेंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि आप अर्निंग किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अर्न पॉइंट्स का। आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्न पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेली सर्वेस का ऑप्शन मिलता है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन का मिलता है, प्रोमो कोड्स, लास्ट कंप्लीटेड और ऑफर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेली सर्वेस पे क्लिक करके देख लिया करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली के यहाँ पे कितने सर्वे हैं और आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सर्वे अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको तकरीबन $0.27 यहाँ पे मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दिया करता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसको अगर आप कंप्लीट करते हैं इतना आपको चार्जेस मिलेगा, ये अगर आप करते हैं तो $0.09 आपके लिए अमाउंट मिलेगा या सेंट आप बोल सकते हैं इतना आपके लिए मिलेगा। इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं, इसको आप कंप्लीट करते हैं 0.02 मिलेगा, इसके बाद आप 0.30 रहेगा, इसके बाद 0.26। तो आप ये समझ लीजिए कि $10-15 आप एक दिन में बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि ये एक ऐसी साइट है जो आपके लिए बहुत अच्छी अर्निंग देने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं $0.54 है, इसके बाद यहाँ पे $0.41 है, $0.70 है, $0.70 है। तो इसी टाइप की यहाँ पे इतने सारे सर्वेज यहाँ पे, ये मैंने आपको पहला पेज दिखाया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी टाइप के यहाँ पे और भी 4 पेज और हैं। तो यहाँ
पे आपके पास इतने सर्वे रहेंगे कि आप सिंपल सा कंप्लीट करते रहिए और अर्निंग करते रहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि डेली यहाँ पे ऑब्वियसली बात है नए नए सर्वेस अपडेट होते हैं और आप उनके लिए जितना ज्यादा कंप्लीट करते जाएंगे उतने आपको चार्जेस मिलते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑफर वॉल। ऑफर वॉल में आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे हैं जिनमें आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो आप एक अच्छी अर्निंग यहाँ से जरूर जनरेट कर लोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एक चीज यहाँ पे नहीं बोल सकते कि आपको सर्विस की यहाँ पे कमी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि सिंपल सा आपको उन पे काम करते रहना है। आप अगर मान लीजिए 2 या 3 घंटे भी काम कर लेते हैं ना तो भी आप यहाँ पे कम से कम $10 से $15 की अर्निंग कर लोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे अवेलेबल है, किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करके देख लेना, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्विस वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एफिलिएट का, कि आप सिंपल सा लोगों के लिए रिफर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक रेफरल लिंक मिलती है और उसमें आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे वो जो भी अर्निंग करेंगे उसका 15% आपके लिए मिलेगा। जो भी आपका लेवल 1 तक रहेगा, मतलब आपने जिनको रेफर किया है, उनका आपको 15% तक अर्निंग होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल सा दोस्तों के लिए आप रेफर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, इन सभी जगह पे आप लोगों के लिए रेफर कीजिए और वो लोग जो अर्निंग करेंगे उसका 15% भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगा। इसके बाद आपको अगर कोई भी इशू आता है आप यहाँ पे क्रिएट टिकट कर सकते हैं, फेक है, कॉन्टेक्ट है, सो इसी टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में एक और चीज आती है कि आप यहाँ से पैसे विड्रॉ कैसे करोगे। तो विड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस में आप जाएंगे तो अकाउंट बैलेंस में आपके लिए दिखाई देगा कि अभी आपके कितने पॉइंट्स हैं, कितना आपका कैश बैलेंस है, कितना आप विड्रॉ कर चुके हैं, कितने आपको पॉइंट्स रेफरल के थ्रू मिले हैं, कितने आपको कैश मिला है रेफरल के थ्रू, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी चूंकि हमने ये नया अकाउंट बनाया है, मैंने किसी को यहाँ पे रेफर नहीं किया है, अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी सर्वे कंप्लीट नहीं किया है। अभी मैं कुछ टाइम यहाँ पे निकाल के कुछ सर्वेज यहाँ पे कंप्लीट करूंगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये सारी चीजें मैं दिखा सकूं। अभी मैं आपके लिए इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं कोई भी सर्वे कंप्लीट करूंगा तो कम से कम 15-20 मिनट का टाइम जाएगा और 15-20 मिनट में अगर मैं आपके लिए सर्वे दिखाऊंगा इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग ऑब्वियसली बात है वो चीज देखोगे नहीं। तो यहाँ पे सर्वे कंप्लीट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना है, डेली सर्वे पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी सर्वे मिलता है वहां पे आपको सिंपल सा जो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करके और इस सर्वे को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर रहे थे विड्रॉ की, तो विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉ कैश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन है और कितना आपका मिनिमम विड्रॉल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पास एक अमेजोन का है कि अगर आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर चाहिए है वो आप ले सकते हैं। डायरेक्ट आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए आपको 36 आवर का मैक्सिमम टाइम लगेगा, 3 दिन का आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा कि 3 दिन में आपका जो है बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मिनिमम विड्रॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं $5 है, इसमें भी आप देख सकते हैं $5 है, इसमें भी आप देख सकते हैं $5 है, साथ में फ्लिपकार्ट का लिया करते हैं तो यहाँ पे $8 है और इसके साथ ही अगर आप इंडिया से हैं और आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफर के लिए करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे $50 मिनिमम विड्रॉल है। इसके बाद यहाँ पे पेटीएम में मंगाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $10 है, अगर आप UPI के थ्रू मंगाते हैं तो $3 है। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया से है अगर आपके पास तो यहाँ पे UPI है, पेटीएम है और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो भी आपके हिसाब से लगे। वैसे यहाँ पे पेटीएम और UPI का आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए $3 भी आप यहाँ पे मंगा सकते हो। तो ये कुछ इतने मेथड हो गए। और अगर आप डायरेक्ट बैंक में मंगाना चाहें तो आप यहाँ पे $50 भी डायरेक्ट बैंक में मंगा सकते हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन कौन से मेथड हैं और कितना मिनिमम विड्रॉल है अमाउंट, वो भी आप यहाँ पे देख चुके हैं। साथ ही आप यहाँ पे एक और मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो उसके पहले आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस आपके सेंड करना होगा और आपको इस ईमेल पे करना होगा। यहाँ पे इन्होंने ये ईमेल भी दिया हुआ है, इस ईमेल पे आपको करना होगा और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन ही आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद सिंपल सा आपके लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे भेज देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने एड्रेस प्रूफ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ था, जो आपने वहां पे देखा था आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज आपने वहां पे लिखा हुआ था वो चीज आपको यहाँ पे भेज देना है, इस ईमेल पे भेज देना है। एक दिन में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा
और जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा देन आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना विड्रॉल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपके लिए चीजें बता दी कि आपके यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है कि आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ईमेल भेज के और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लेना है और वेरीफाई करवाने के बाद जो भी आप पॉइंट्स अर्निंग करोगे वो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और जैसा कि मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई मनी मेकिंग टिप्स ट्रिक्स फ्री गिवअवे फ्री रिसोर्सेज वीडियोस लेके आऊं तो वो सबसे पहले आप देख सकें और आज से ही एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। थैंक यू दोस्तों।